बिलासपुर में दीपावली की बख्शीश वसूली को लेकर बिलासपुर के सरकंडा में किन्नरों के दो गुट भिड़ गए। पहले गुट के किन्नर को दूसरे गुट के 5 किन्नरों ने फर्जी किन्नर होने का आरोप लगाकर चांटीडी के पास जमकर पीटा, उसके बाल भी काट लिए। कलेक्ट्रेट शिकायत करने पहुंची किन्नर ने हंगामा मचाते हुए अपने सारे कपड़े उतार दिए। इस दौरान आसपास के लोग तमाशबीन होकर के देखते रहे। मामले में मिली जानकारी के अनुसार रजिया किन्नर तालापारा में रहती है, जो चांटीडी में रहने वाले दूसरे गुट की किन्नर रजनी, विमला, संगीता, रिया और शाहिद ने चांटीडी के पास घेर कर मंगलवार को फर्जी किन्नर होने व अपने इलाके में बख्शीश वसूली करने का आरोप लगाकर जमकर पिटाई कर दी। पिटाई के साथ ही उसके बाल भी काट दिए। रजिया किन्नर पिटाई के बाद अपनी शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच गई थी। रजिया का कहना था कि उसके पास किन्नर होने का प्रमाण पत्र भी है। रजिया ने अपनी शिकायत करने के साथ फरियाद करते हुए अपने सारे कपड़े उतार दिए और जमकर बवाल मचाया। इस दौरान कलेक्ट्रेट के कर्मचारी मूक दर्शक बने रहे। सूचना पर पहुंची सिविल लाइन पुलिस व रक्षा टीम ने पहुंचकर किन्नर को समझाइश कर शांत कराया। इसके बाद दोनों गुट में सुलह कराई गई। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।